नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एवन टीवी में। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर और आप देख रहे हैं एवन उत्तर प्रदेश। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे लेकिन पहले नजर डालेंगे इस वक्त की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विद्यार्थियों का बढ़ाया हौसला, छात्रों के साथ की परीक्षा पे चर्चा, छात्रों की बनाई प्रदर्शनी और परियोजनाओं का किया अवलोकन, सीएम योगी आदित्यनाथ भी जुड़े वर्चुअली। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में हनुमानगढ़ी और रामलला के किए दर्शन, साधु संतों का लिया आशीर्वाद तो ग्राम प्रधानों से किया संवाद, एमएलसी चुनावों में दिया जीत का मंत्र, कहा रणनीति बनाकर करें प्रचार प्रसार। फरुखाबाद जिले का नाम बदलने की उठी मांग, बीजेपी सांसद मुकेश राजपूत ने मुख्यमंत्री को लिखा पत्र, फरुखाबाद का नाम बदलकर पांचाल नगर रखने की मांग। कौशाम्बी में रोडवेज बस और ट्रक की भिड़ंत, हादसे में एक दर्जन लोग घायल तो देवरिया में दो बाइकों की भिड़ंत में दो की मौत, दो घायल। बस्ती में जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों में मारपीट, हमले में एक की हुई मौत तो तीन लोग हुए गंभीर घायल, पुलिस कर रही है मामले की तफ्तीश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा पे चर्चा के दौरान 9वीं से 12वीं कक्षा के छात्रों के साथ संवाद किया। नई दिल्ली के एक तालकटोरा स्टेडियम में इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ जिसमें करीब 1000 छात्र शामिल हुए। सबसे पहले प्रधानमंत्री ने देशभर के छात्रों द्वारा बनाई गई प्रदर्शनी और परियोजनाओं का अवलोकन किया, तो वहीं एक छात्र द्वारा विकसित ब्लूटूथ सर्विंग टेबल का जायजा लिया जिसका इस्तेमाल कोविड रोगियों के लिए किया जा सकता है। इस दौरान मन की बात का 3D प्रिंटेड रेडियो ट्रांजिस्टर विकसित करने वाले छात्रों से ऑटोग्राफ लिया। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छात्रों से संवाद करते हुए उनके सवालों का जवाब दिया और मार्गदर्शन किया। इस साल परीक्षा पे चर्चा का यह 5वां संस्करण था। तो योगी आदित्यनाथ दूसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार अयोध्या पहुंचे जहां उन्होंने हनुमानगढ़ी और रामलला के दर्शन कर संतों से आशीर्वाद लिया। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने पहले कार्यकाल में 42 बार अयोध्या आने का रिकॉर्ड बनाया था। तो वही सीएम योगी लगातार राम मंदिर के निर्माण कार्य की निगरानी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद अब एक्शन में नजर आ रहे हैं, तो वहीं सभी विभागों के अधिकारियों के साथ संवाद भी कर रहे हैं और योजनाओं की जानकारी ले रहे हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ग्राम प्रधानों एवं वार्ड सदस्यों के साथ वर्चुअली संवाद किया, जहां बैठक में मुख्यमंत्री ने एमएलसी प्रत्याशियों को बहुमत दिलाने की अपील की। विधान परिषद में भी हमारे पास पूर्ण बहुमत हो और प्रदेश के विकास के लिए, प्रदेश में गरीब कल्याण के लिए, प्रदेश में लोक कल्याण के लिए चल रहे उस विजन को जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है कि नए भारत का नया उत्तर प्रदेश बनाना है, तो नए भारत के नए उत्तर प्रदेश के लिए इस विजन को हम आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। कल से वासंतिक नवरात्रि प्रारंभ हो रही है, यह चैत्र शुक्ल प्रतिपदा है, भारतीय नौ संवत्सर है, कहते हैं सृष्टि के आरंभ की तिथि भी मानी जाती है। मैं इसके लिए
आप सभी को हृदय से बधाई देता हूँ, अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। जगत जननी माँ भगवती से प्रार्थना करता हूँ कि आप विकास और सेवा के जिस अभियान के साथ जुड़े हुए हैं, ये मजबूती के साथ आपके जीवन को और भी यशस्विता प्रदान करे। इस विश्वास के साथ मैं एक बार फिर से आप सबका आह्वान करता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रत्याशियों को उन सभी सीटों पर जहाँ चुनाव 9 अप्रैल को होने हैं, आप विजय उपलब्ध कराने में, उन्हें विजयश्री उपलब्ध कराने में अपना योगदान देंगे। मैं एक बार फिर से बासंतिक नवरात्रि की आप सबको हृदय से बधाई देता हूँ, अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। तो वही उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद फैजाबाद के बाद अब एक और जिले के नाम बदलने की मांग की गई है। अब उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद का नाम बदलकर पांचाल नगर करने की मांग उठी है। इसे लेकर फर्रुखाबाद से बीजेपी सांसद मुकेश राजपूत ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र भी लिखा। मुकेश राजपूत ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लिखे पत्र में कहा, फर्रुखाबाद का इतिहास बहुत प्राचीन काल का है। तीन नदियों गंगा, रामगंगा और काली नदी के मध्य ये बसा है। ये पौराणिक काल से समृद्ध है। बीजेपी सांसद ने लिखा कि उस समय ये पांचाल क्षेत्र कहलाता था। ये शहर पांचाल राज्य की राजधानी थी। उन्होंने लिखा कि राजा द्रुपद की राजधानी कंपिल में ही राजकुमारी द्रौपदी का स्वयंवर हुआ था और राजा द्रुपद की सेना छावनी शहर में निवास करती थी। आज यहां दो बड़े रेजिमेंट्स हैं, एक राजपूत और दूसरा सिखलाई रेजिमेंट। खबर फिरोजाबाद के शिकोहाबाद से है, जहां कॉलेज के तीन छात्रों ने भारतीय सेना में अहीर रेजिमेंट बनाए जाने की मांग की है, जिसके चलते खून से खत लिखकर राज्यपाल और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को पत्र भेजा। दरअसल जसराना निवासी सौरभ, अमित और संदीप भारतीय सेना में जाने के लिए कई महीनों से तैयारी कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि जैसे जाट गोरखा रेजिमेंट की तर्ज पर अहीर रेजिमेंट का भी गठन होना चाहिए, क्योंकि अहीरों का बलिदान देश हित में रहा है। साथ ही देश की रक्षा के लिए भी उन्होंने कई कुर्बानियां दी हैं। एक आर्मी की तैयारी कर रहा हूँ, तो बस मेरी यही मांग है कि आर्मी में एक अहीर रेजिमेंट का गठन हो, और बहुत दिनों से मांग चली आ रही है और हमने कई बार धरना प्रदर्शन भी किया है और लोगों के प्रति जागृति भी कर रहे हैं। धरना प्रदर्शन लगातार हमारा जारी रहेगा। रायबरेली के जिला अस्पताल की मुख्य चिकित्सा अधीक्षक नीता साहू ने अस्पताल में पार्किंग वसूली पर रोक लगा दी है। आपको बता दें कि अस्पताल परिसर में लंबे समय से साइकिल स्टैंड पर पार्किंग के नाम पर अवैध वसूली की जा रही थी। इसके अलावा परिसर में बने रैन बसेरे को निशुल्क कर दिया गया है। इससे पहले रैन बसेरा संचालित करने का काम ठेके पर दिया हुआ था। तो वही पार्किंग निःशुल्क होने पर अस्पताल आने वाले गरीब लोगों के चेहरों पर खुशी देखने को मिली है। एक तो साइकिल स्टैंड यहाँ पर निशुल्क कर दिया गया है। अस्पताल में हम लोग ने सारी सुविधाएं निशुल्क दी है। एक रुपया खाली पर्चा का होता है, फिर एक्सरे हुआ, ऑपरेशन हुए, खाना हुआ, भर्ती का, तो सारे चीज़ें निशुल्क है, पैथोलॉजी निशुल्क है। मैम, कई सालों से लोग स्टैंड का पैसा नहीं देते थे, उसको लेकर बड़ा निर्णय लिया गया, क्या कारण था इतने दिन? कारण ये पूरे यूपी में कहीं भी कोई भी ठेकेदार या वेंडर साइकिल स्टैंड में पैसा नहीं लिया जा रहा है, तो उसी कई सालों से चल रहा। अब वो हमारे संज्ञान में नहीं है, हम तो अभी आए हैं, तो एक तारीख से फिर उसको कर दिया गया कि आप निःशुल्क दें, क्योंकि गरीब जनता आती है, अब एक रुपये के पर्चे में वो उससे ज़्यादा उनका साइकिल स्टैंड का लग जाता है, तो जनहित में ये। तो ये बस्ती में जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों में मारपीट हो गई, जिसमें एक की मौत हो गई जबकि तीन लोग गंभीर रूप से घायल हुए। जानकारी के मुताबिक खेत जोतने को लेकर हुए विवाद के चलते एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर हमला किया। बता दें कि पूरा मामला हरैया थाना क्षेत्र के संतोषीपुरवा अजगरा गांव का है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। तो वाराणसी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के छात्रों ने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। छात्रों का आरोप है कि हॉस्टल में अव्यवस्थाओं का आलम है। तो वही वार्डन पर अभद्रता करने का भी छात्रों ने आरोप लगाया। जानकारी मिलने पर प्रोक्टोरियल बोर्ड की टीम मौके पर पहुंची और छात्रों से समझाइश में जुटी है।
वार्डन अनिल कुमार सिंह को हटा दिया जाए। ये बच्चों के साथ हमेशा अभद्र व्यवहार करते हैं, आए दिन उनका अपमान करते रहते हैं, उनको मानसिक रूप से प्रताड़ित करते हैं, बुलाते हैं, झूठा धमकी दिलाते हैं कि तुम लोग का हॉस्टल से निष्कासन कर देंगे, कट्टा रख के फंसा देंगे, गांजा तुम्हारे रूम में रख के तुम्हें फंसा देंगे। क्यों? क्योंकि सर बच्चे उनके सामने नहीं झुकते हैं, उनको सिर्फ वो बच्चे चाहिए जो सर उनका चरण छूता रहे दिन। तो वहीं आपको बता दें, खबर कानपुर देहात से है, जहां सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने गई पुलिस से महिलाओं की नोकझोंक हो गई। पुलिस के अनुसार सरकारी भूमि पर बने मकान की लंबे समय से शिकायतें आ रही थी, ऐसे में कार्रवाई करने जब पुलिस पहुंची तो महिलाओं ने हंगामा खड़ा कर दिया। इस दौरान मामले का वीडियो बना रही एक महिला का बिरहुन चौकी प्रभारी ने मोबाइल छीन लिया और हंगामा कर रही महिलाओं को हिरासत में लिया। आपको बता दें कि यह मामला रसूलाबाद कोतवाली क्षेत्र के कस्बा रसूलाबाद का है। खबर उत्तर प्रदेश के देवरिया से है, जहां महुआडी थाना क्षेत्र के सेखौना चौराहे पर दो बाइकों की आमने सामने टक्कर हो गई। हादसे में दो युवकों की मौत हो गई जबकि तीन युवक घायल हुए, जिन्हें ग्रामीणों ने अस्पताल में भर्ती करवाया। तो वहीं घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौका मुआयना किया और हादसे की पड़ताल में जुट गई है। वहीं सिद्धार्थनगर में एक विवाहिता की संदिग्ध स्थितियों में मौत हो गई है, जिसका शव फांसी के फंदे पर लटका हुआ मिला। जानकारी के मुताबिक परिवार में काफी समय से पारिवारिक विवाद चल रहा था। तो वहीं घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवाया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। जौनपुर के बक्सा थाना क्षेत्र के उमरपुर गांव में शराब की दुकान हटाने को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। बड़ी संख्या में महिलाओं ने दुकान हटाने को लेकर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। महिलाओं का आरोप है कि शराब की दुकान होने से शराबियों का यहां जमावड़ा लगा रहता है, जिसके चलते गांव की बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, इसीलिए यहां से शराब की दुकान हटाई जानी चाहिए। तो वही मामले में ग्रामीणों ने उमरपुर उप प्रधान को जिलाधिकारी के नाम ज्ञापन भी सौंपा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की जानकारी के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।